कला, साहित्य, स्थापत्य और संस्कृति जिसके हृदय के चार हिस्से हैं, ऐसी वैश्विक विरासत का दुर्लभ समन्वय यानी हमारा हिंदुस्तान, और ऐसे हिंदुस्तानियों को सफीन हसन का तहे दिल से नमस्कार। अपने वक्तव्य के आरंभ में मैं हमारी आजादी के शिल्पकारों से हृदय पूर्वक क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हम उनके स्वप्न का भारत बनाने में सरासर नाकामयाब रहे। जी हाँ, यह एक जलता हुआ सत्य है जो यह बात पुकार पुकार के कह रहा है कि हमारी मजबूत कही जाने वाली लोकशाही के चारों स्तंभ आज लड़खड़ा रहे, और यह भी उतना ही सत्य है कि इन सभी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। भ्रष्टाचार को अगर आम आदमी की नजर से देखा जाए तो यह मजबूरी बन चुकी है उसकी। राशन कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, ट्रैफिक पुलिस से सामना करना हो, यहाँ तक कि सिनेमा की टिकट लेनी हो, हर बात में भ्रष्टाचार। इसलिए आम आदमी को उसे मजबूरी के रूप में अपनाना पड़ा है। प्रथम दृष्टिकोण से छोटी लगने वाली यह बातें उतनी ही सत्य है, और हाँ, छोटी छोटी बूंदों से ही महासागर का निर्माण होता है, और यह वही महासागर है भ्रष्टाचार का। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि आम आदमी के लिए दिए जाने वाले 100 पैसों में से 17 पैसे ही उसकी उस तक पहुंचते हैं, बाकी के 83 पैसे भ्रष्टाचार का अजगर निकल जाते हैं। जी हाँ, समग्र विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति की गरिमा का गुणगान करने वाले हम खुद आज उस भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को विस्मृत कर चुके हैं। भ्रष्टाचार हमारे समाज की रग रग में व्याप्त हो चुका है, जीवन शिक्षण का एक पाठ बन चुका है। हम केवल राजनीति और उससे संकलित लोगों को ही भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यह हमारा अपने आप को इस दोषारोपण से बचाने का एक व्यर्थ प्रयास मात्र है। जी हाँ, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस भ्रष्टाचार नाम की समस्या के लिए। हम कुछ बातें जानते नहीं, इसलिए शायद हम भ्रष्टाचार को पोषित करते हैं। जी हाँ, हमारे देश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। 5,000 बच्चे हर रोज भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। 40% युवा धन बेकार बैठा है। अगर वो पैसे जो बड़े कहे जाने वाले लोगों के जेब में और स्विस बैंक में काले धन के रूप में जमा हो रहे हैं, वो इन लोगों के पीछे लगाए जाए तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। लेकिन आप और मैं यह भी जानते हैं कि ये बात जितनी सुनने में अच्छी लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हिंद को आजाद करवाने के लिए एक गांधी जी अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। बस इतिहास को अपने आप को दोहराने की जरूरत है, लोगों के दिल में बुझी हुई उस आग को फिर से जलाने की जरूरत है। लेकिन एक और यह भी प्रश्न है कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो क्यों करते हैं? जी हाँ, वो अपनी मान्य आमदनी में से अपनी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए भ्रष्टाचार को दूसरे मार्ग के रूप में अपनाते हैं। ये उनके लिए एक जरूरियात बन चुका है, और आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं, अगर जरूरियात पूर्ण हो जाए तो मजबूरी रहेगी ही नहीं, और इसी जरूरत को पूर्ण करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार न केवल एक राष्ट्रीय प्रश्न है, यह एक सामाजिक और आर्थिक प्रश्न भी बन चुका है, और उसे दूर करने के लिए बहुआयामी संघर्ष करना होगा हमें। इसके लिए बाबा रामदेव और अन्ना जी ने कुछ प्रयास किए थे, लेकिन उसे भी राजनीतिक रंग लगा दिया गया। कुछ स्वार्थी और सत्ता के भूखे लोगों ने समग्र विश्व पे शासन की क्षमता रखने वाले हिंदुस्तान को अपाहिज बनाना चाहा। माँ भारत की लहराती कसुम बल चुंदरी को सत्ता और स्वार्थ की झाड़ियों में फंसा कर बेहाल कर दिया गया। लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हम वो हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बलबूते पर अंग्रेज सल्तनत को उखाड़ फेंका था। फिर ये भ्रष्टाचार क्या चीज है, इसके भी हाल बेहाल होंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। उसके लिए आपको, मुझे और हम सबको मिलकर एक बहुआयामी संघर्ष करना होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और तभी हिंदुस्तान में से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट सकता है। फिर आप और मैं न सिर्फ कहने के लिए कहेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए कहेंगे, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एक भ्रष्टाचार मुक्त मूर्ख का एक गर्विष्ठ भारतीय। नमस्कार।